दुनिया भर में महंगाई की वजह से इकोनॉमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई ने 40 सालों के उच्चतम स्तर को छू लिया था। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले भारत में महंगाई पर काफी काबू पा लिया गया है, लेकिन आम जनता इससे अब भी त्रस्त है। घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर दाल रोटी तक महंगी हो गई है, जिससे घरों का बजट बिगड़ गया है। लेकिन इस बढ़ती महंगाई के पीछे आखिर कारण क्या है, इसकी वजह बताई है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। वित्त मंत्री ने मौसमी समस्याओं को महंगाई बढ़ने का दोष दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि मौसमी समस्याओं की वजह से सप्लाई कम हुई, जिससे महंगाई बढ़ी। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी सामानों की कीमतों में नरमी लाने की कोशिश के साथ ही उस पर नजर गड़ाकर रखी हुई है। पूरा देश में अगर मान लीजिए 21 लाख टन का कंसम्पशन होता है, हम खरीद करके उपयोग करते हैं, अंदाजा से मैं बोल रही हूँ 21 लाख, नॉट परफेक्ट नंबर, हम 17 टू 18 लाख टन ही उत्पादन करते हैं। सो हर साल आपको देखने के आया आता है 3.5 लाख टन का कमी होता है, उसको हम विदेश से इंपोर्ट करने के लिए लास्ट मिनट में बागा दौड़ी करते हैं। मगर प्रधानमंत्री जी का ये भी कोशिश है कि भारत के जितनी भी दाल चाहिए, तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो, सबको भारत में ही उत्पादन अच्छा हो, जिससे हम विदेश से इंपोर्ट करने का कगार में नहीं आए। इसके लिए उत्पादन के लिए किसानों को बोनस दिया जाता है, एमएसपी रेट भी अनाउंस किया जाता है, और प्रोक्योरमेंट का पूरे एफसीआई और मेफेड और सब प्रोक्योरमेंट एजेंसी भी इसमें हर साल नियंत्रित होकर के आकर खरीदारी करते हैं। पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों पर सीतारमन ने कहा कि कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में ईंधन के दाम ऊंचे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ईंधन के दाम रीजनेबल स्तर पर लाए जा सके। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि गेहूं की कीमत नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद तेज कर दी है। चालू वित्त वर्ष में 3.41 करोड़ टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1.70 करोड़ टन का खरीद हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक गेहूं की खरीद में तेजी इसलिए जरूरी है ताकि सप्लाई के अनुसार रिटेल मार्केट में गेहूं की सप्लाई हो सके। अगर सप्लाई को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई तो इससे गेहूं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आपके घर पर दिखेगा। वहीं अगर बात चीनी की करें तो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन यानी कि ISMA ने साल 2022-23 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान 3.40 करोड़ टन से घटाकर 3.28 करोड़ टन किया है। ISMA का कहना है कि भारत के अलावा थाईलैंड, चीन, पाकिस्तान में चीनी का उत्पादन घटा है। तो वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोडक्शन कम होने से इसका आयात भी महंगा हो सकता है। ऐसे में अगर देश में चीनी की डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई तो रिटेल दाम भी बढ़ सकते हैं, यानी कि सरकार जरूरी चीजों पर दामों को बजट में लाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अगर इनकी सप्लाई में दिक्कत आई तो वो दाम जरूर बढ़ सकते हैं और एक बार फिर आपको महंगाई और बढ़ती भी दिख सकती है। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि महंगाई बढ़ती है या कम होती है। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जागरण बिजनेस।